हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कॉटम, उसी स्कॉटम के अंदर हमारे पास है टेस्टिस, और टेस्टिस से जो बाहर निकल के आया है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज वासा डिफरेंशिया, और वासा डिफरेंशिया मूव करते हैं एब्डोमेन। तो ये मान लीजिए इनर पार्ट और इनसाइड द एब्डोमेन है, ये पेट के वो वाले हिस्से हैं जहां पे हमारे पास यूरिनरी ब्लडर होता है। तो ये बड़ा सा जो पाउच आपको दिख रहा है, इसको हम लोग यूरिनरी ब्लडर बोलते हैं, जिसमें यूरिन का कलेक्शन होता है, और उसी यूरिनरी ब्लडर में कुछ पाइप्स होते हैं, ये यूरिनरी पाइप्स हैं। और इसी पाइप के सामने ही एक ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर वासा डिफरेंशिया है वो आते हैं, और जिसका कनेक्शन होता है सेमिनल वेसिकल में। तो सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंशिया दोनों एक साथ मिलके बनते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। तो इस डक्ट को आप देख ही सकते हो, यहाँ पे दोनों चीज जो है वो फ्यूज हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट ज्वाइन होते हैं एक बड़े से ग्लैंड में, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके ही नीचे जो मटर के दाने जैसे जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसका नाम है काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। और वही डक्ट, वही सारे पाइप अगर एक साथ मिक्स हो जाए, तो ये पूरा जो पाइप है उसको हम लोग बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। इसका नाम नोजेनिटल डक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इसके थ्रू, इस डक्ट के थ्रू यूरिन और जो जेनाइटल ऑर्गन के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सीमेन, इंक्लूडिंग सीमेन, यहाँ यूरिन भी इसी पाइप के थ्रू निकलता है, जिसके वजह से इस पाइप का नाम है यूरिनोजेनिटल डक्ट। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जितने भी एसेसोरी ग्लैंड्स हैं उसमें मेनली प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल, जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो नंबर के होते हैं, टू नंबर्स। और अगर आप देखो ये बड़ा सा जो ग्लैंड है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये एक ही होता है। और काउपर्स ग्लैंड अगर आप देखोगे तो वहां पे दो होते हैं काउपर्स ग्लैंड टोटल। तो यहाँ पे अगर ग्लैंड्स, टोटल ग्लैंड्स के बारे में बोले तो टोटल हमारे पास फाइव ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल दो है, काउपर्स ग्लैंड दो है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक है। तो ये स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज द एसेसोरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम, और साथ ही साथ उसके आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और कहीं पे कंफ्यूजन होता है देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो।